सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। जब उन्होंने अपनी परफेक्टली टोन्ड और शर्टलेस बॉडी फ्लॉन्ट की सिल्वर स्क्रीन पर, तो वो वाकई में लड़कों के यूथ आइकन बन गए थे और लड़कियां तो उनकी दीवानी हो गई थी। इनफैक्ट 50 साल के होते हुए भी सुल्तान में जो बॉडी उन्होंने बनाई है और जो मेहनत उन्होंने की है वो काबिले तारीफ है। पर आप सबको ये नहीं पता होगा कि इतने फिट रहने वाले सलमान खान फेशियल नर्व डिसऑर्डर से घिरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वेल अभी सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट का पहला गाना लॉन्च हुआ था दुबई में और वहाँ पे सलमान से किसी ने इस डिसऑर्डर के बारे में पूछा। इसके जवाब में सलमान ने कहा कि उस असहनीय दर्द को झेलने के बाद महसूस हुआ कि दर्द में कोई सबटाइटल्स नहीं लगा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि ये दर्द इतना भयानक होता है कि कुछ लोग तो दर्द से राहत पाने के लिए सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2011 में सलमान ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया नामक बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी को बोलचाल की भाषा में सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी के डायग्नोस होने के बाद सलमान ने एंजियोग्राफी भी करवाई और ट्रीटमेंट के लिए US गए, मगर इस असहनीय दर्द के बावजूद भी सलमान ने अपने काम पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तभी तो वो सुल्तान कहलाते हैं, क्यों है ना दोस्तों।